तो दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, हार्ड टाइम्स, जिसे लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। ये कहानी लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी के बीच की है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जमाना था। नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस किए जा रहे थे, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी, मजदूरों का शोषण हो रहा था। फैक्ट्रियों के जो मालिक हुआ करते थे वो अपनी लेबर्स या फिर कह लो फैक्ट्री वर्कर्स का फायदा उठाते थे। दोस्तों इस कहानी का फुल टाइटल है हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स। तो अब दोस्तों बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, अब शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। तो कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें स्टोरी समझने में बहुत आसानी होगी। तो हमारी कहानी का सबसे पहला कैरेक्टर है थॉमस गार्डग्रैंड, जो एक स्कूल का संचालक है और अपने विद्यार्थियों को फैक्ट्स की नॉलेज देता है। इस कहानी में आगे चल करके ये MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। इसके दो बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। लड़की का नाम है लुइसा, ये इस थॉमस गार्डग्रैंड की बेटी है और इस कहानी का मेन कैरेक्टर है यानी कि प्रोटैगनिस्ट है। इसे बचपन से ही फैक्ट्स की एजुकेशन मिली है, इसने बाहर की दुनिया इतनी नहीं देखी। इसकी शादी इस कहानी में आगे चल के एक बूढ़े आदमी से करवा दी जाती है, मतलब अधेड़ उम्र का सा आदमी। और थॉमस गार्डग्रैंड का जो बेटा है उसका नाम है टॉम, ये इस कहानी का तीसरा कैरेक्टर है, ये इस लुइसा का भाई है। इसे भी इस कहानी में वही फैक्ट्स वाली एजुकेशन मिली है जो इसकी बहन को मिली है। इस कहानी में ये आगे चल करके एक बैंक को लूटता है और अपने पिता और बहन का भरोसा तोड़ता है। इस कहानी का चौथा कैरेक्टर है मिस्टर बाउंडरबी, ये मिस्टर गार्डग्रैंड का एक दोस्त है, उन्हीं की उम्र का है, और इस मिस्टर बाउंडरबी की शादी लुइसा से करवा दी जाती है। वैसे ये मिस्टर बाउंडरबी एक फैक्ट्री का ऑनर है, यानी कि बहुत ही पैसे वाला आदमी है। ये अपने मजदूरों को हाथ कहकर के बुलाता है, मतलब हैंड्स, और अपने मजदूरों को परेशान भी बहुत करता है, मतलब वो मजदूर जो इसकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं। अब इस मिस्टर बाउंडरबी के साथ एक बूढ़ी सी महिला और रहती है जो कि विडो है यानी कि विधवा है, और इस विधवा का नाम है मिसेस परसेट। ये मिसेस परसेट लुइसा से बहुत नफरत करती है क्योंकि लुइसा से शादी हो जाने के बाद बाउंडरबी इससे इंपॉर्टेंस देना कम कर देता है। इस कहानी का छठा कैरेक्टर है स्टीफन ब्लैकपूल, ये बेचारा एक मजदूर है जो बाउंडरबी की फैक्ट्री में काम करता है। इस बेचारे गरीब आदमी स्टीफन ब्लैकपूल पे आगे चल करके इस कहानी में चोरी का इल्ज़ाम लगेगा कि इसने बैंक लूटा है। ये स्टीफन ब्लैकपूल वैसे तो शादीशुदा आदमी है, लेकिन फिर भी ये एक लड़की को पसंद करता है जो इसी के साथ साथ बाउंडरबी की फैक्ट्री में काम करती है, और इस लड़की का नाम है रेचल। इसके बाद अगला कैरेक्टर है जेम्स हार्टहाउस, ये एक जेंटलमैन है जो कि लंदन से आया है बाउंडरबी के साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये लंदन में बैठा बैठा बोर हो रहा था तो यहाँ पे कुछ एंटरटेनिंग ढूंढने के लिए यहाँ पे बाउंडरबी के साथ काम करने के लिए आ गया। इसका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस कहानी में। एक लास्ट और हटके कैरेक्टर और जान लो, थॉमस गार्डग्रैंड जो है इनकी एक स्टूडेंट है सिसी नाम की, ये इस कहानी में थॉमस गार्डग्रैंड की देखरेख में रहती है। इसके फादर जो है एक सर्कस में काम करते थे जो इसे छोड़ करके चले गए, और ये अब थॉमस गार्डग्रैंड के साथ रहती है। इसका एक रोल है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो अब दोस्तों कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, अब चलते हैं हम हमारी कहानी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है थॉमस गार्डग्रैंड से, ये एक कमरे में बैठ करके कुछ स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। जिंदगी में फैक्ट्स का कितना बड़ा रोल है, इमोशंस और इमेजिनेशंस का कोई काम ही नहीं है जिंदगी में सिर्फ फैक्ट्स का रोल है। इनके अनुसार बच्चों को सिर्फ फैक्ट्स सिखाना ही असली और सही एजुकेशन है। यहाँ तक कि इन्होंने खुद के अपने दो बच्चे हैं लुइसा और टॉम, इन दोनों को भी फैक्ट्स सिखा सिखा के बड़ा किया है। अब दोस्तों इसी थॉमस गार्डग्रैंड की एक ऐसी स्टूडेंट भी है जो इससे बिल्कुल एकदम अलग विचार रखती है, सिसी। इसके फादर जो हैं वो एक सर्कस में काम करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो सिसी को छोड़ करके चले जाते हैं। तब मिस्टर गार्डग्रैंड जो हैं वो सिसी को एजुकेट करने के लिए अपने पास रख लेते हैं, मतलब एक तरह से परवरिश देने के लिए अपने पास रख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर गार्डग्रैंड के दो बच्चे हैं, एक लुइसा एक टॉम, इन दोनों के दिमाग में इनके पिता ने यानी कि मिस्टर गार्डग्रैंड ने इमोशंस और इमेजिनेशंस
दोनों को बिल्कुल नेगलेक्ट करवा करके इनकी परवरिश की है। ये दोनों बिल्कुल घर के माहौल में बड़े हुए हैं, मतलब इन लोगों ने बाहर की दुनिया इतनी नहीं देखी। इनकी ज़िंदगी में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, किस तरह से ज़िंदगी जीनी चाहिए, इन सब की इनको कोई नॉलेज नहीं है। मतलब मिस्टर गार्डग्राइंड ये चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो सिर्फ फैक्ट्स को समझे, फैक्ट्स को जाने। ज़िंदगी में इमोशंस से फैसले लिए जाएं तो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब ऐसे ही बड़े हुए थे मिस्टर गार्डग्राइंड के दोनों बच्चे, लुइसा और टॉम। तो एक दिन मिस्टर गार्डग्राइंड ने अपनी बेटी लुइसा के पास जाकर के रिक्वेस्ट की। उन्होंने लुइसा से रिक्वेस्ट की कि तुम बेटी, तुम मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर बाउंडर भी करके, तुम उनसे शादी कर लो। हालांकि वो उम्र में तुमसे थोड़े से बड़े हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फैक्ट ये कहता है, फैक्ट्स के अनुसार अगर तुम उससे शादी कर लेती हो तो तुम्हारे भाई टॉम की ज़िंदगी बन जाएगी, वो बहुत ही अमीर आदमी है बेटी। तो लुइसा क्या करती है, इस बात पर एग्री हो जाती है, वो हाँ कर देती है। वो इसलिए हाँ नहीं करती क्योंकि वो बाउंडरबी को पसंद करती है, नहीं, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि लुइसा अपने भाई टॉम की ज़िंदगी बनाना चाहती थी। उसके बाउंडरबी के साथ शादी करने से टॉम की ज़िंदगी बन जाएगी, तो इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। तो ठीक है, वो एग्री हो गई। तो इसी बात पे सिसी, जो कि मिस्टर गार्डग्राइंड की स्टूडेंट थी, वो लुइसा से पूछती है, तुम हाँ क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है बाउंडर भी तुमसे उम्र में कितना बड़ा है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन लुइसा उसकी एक नहीं सुनती और वो बाउंडर भी से शादी करने को तैयार हो जाती है। ठीक है, जब यही राजी है तो होने दो शादी। लुइसा और बाउंडर बी की शादी हो गई। ये दोनों भाई बहन, लुइसा और टॉम, ये दोनों बाउंडर बी के घर में रहने चले गए। अब दोस्तों, ये मिस्टर बाउंडर बी, ये एक बहुत ही रईस आदमी था, मतलब इसकी फैक्ट्री थी, बहुत सारे मजदूर थे, और ये अपने मजदूरों को हाथ यानी कि हैंड्स कह करके बुलाता था। लेकिन इसके हाथ यानी कि मजदूर इससे खुश नहीं थे। और इसी फैक्ट्री में एक वर्कर काम करता है जिसका नाम है स्टीफन। जी हाँ, यही स्टीफन। ये भी बाकी मजदूरों की तरह बाउंडर बी की फैक्ट्री में काम करने से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी इसको करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ इसको एक प्रॉब्लम और है अपनी ज़िंदगी से, और ये प्रॉब्लम है इसकी शादीशुदा ज़िंदगी, क्योंकि ये अपनी पत्नी से खुश नहीं है, ये अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से मुक्ति पाना चाहता है। इसी की फैक्ट्री में एक लड़की काम करती है, रेचल नाम की, ये उससे शादी करना चाहता है। लेकिन स्टीफन को इस रेचल से शादी करने के लिए अपनी पहले ही एक शादीशुदा ज़िंदगी वो जी रहा है उससे छुटकारा पाना पड़ेगा, यानी कि तलाक लेना पड़ेगा अपनी पत्नी से। तो स्टीफन क्या करता है, ये प्रॉब्लम जो है तलाक वाली, ये लेकर के बाउंडर बी के पास आता है उससे हेल्प मांगने के लिए। तो बाउंडर बी उससे साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी शादी से छुटकारा तो दिलवा दूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें लॉयर के पास जाना पड़ेगा और उसकी फीस लगेगी, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम एक लॉयर को पे कर सको, तो अफसोस तुम्हें यही ज़िंदगी जीने पड़ेगी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बाउंडर भी इतना कह करके उसको वहाँ से भगा देता है। तो स्टीफन बेचारा चुपचाप वहाँ से निराश होकर के चला जाता है। अब जैसे ही वो बाउंडर भी के घर से बाहर निकलता है तो एक बूढ़ी सी औरत उसके पास भागती हुई आती है। वो स्टीफन से बाउंडर भी के बारे में जानना चाहती है कि बाउंडर भी कैसा है, उसने जो अभी अभी शादी की है, उसकी पत्नी कैसी है, वगैरह वगैरह। तो ये औरत बाउंडर बी के बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। ये औरत बाउंडर बी के घर के आसपास घूमती रहती है। अब दोस्तों, ये जो टॉम है, ये एकदम लंपट और एकदम अय्याश किस्म का लेजी आदमी बन गया, मतलब इसने अपने ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा लिया है, और सबसे, जो भी इससे मिलता है, सबसे एकदम अजीब तरीके से बात करता है। बेचारी लुइसा ने तो बाउंडर बी से इसलिए शादी की थी ताकि उसके भाई टॉम की लाइफ बन जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार हो गया है। तो अब दोस्तों, इस कहानी में टॉम की, लुइसा की और मिस्टर बाउंडर बी की जिंदगी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही है। इस कैरेक्टर का नाम है मिस्टर जेम्स हार्टहाउस। ये आदमी लंदन से आया है। ये एक पैसे वाला, बढ़िया तरीके से बात करने वाला यंग जेंटलमैन है। ये लंदन में बैठा बैठा अपनी जिंदगी से बोर हो रहा था, तो इसने सोचा कुछ एंटरटेनिंग ढूंढते हैं, तो ये बाउंडर बी के पास काम करने के लिए आ गया। लेकिन यहाँ आते ही, जैसे ही इसने बाउंडर बी की वाइफ लुइसा को देखा, तो उसमें इंटरेस्टेड हो गया और सोचने लगा कि मिस्टर बाउंडर बी इतने बूढ़े और इनकी जो वाइफ है लुइसा वो इतनी जवान और खूबसूरत, तो वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग गया।
इसी चीज में उसने एक बात पे गौर किया कि लुइसा जो है उसे सबसे ज्यादा अपने भाई में इंटरेस्ट है। वो अपने भाई को खुश देखना चाहती है। इस लुइसा को अपने भाई टॉम की बहुत परवाह होती है। तो इसने क्या सोचा, हार्ट हाउस ने क्या सोचा कि मुझे सबसे पहले टॉम से दोस्ती करनी पड़ेगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मिसेस पर्सेट के बारे में। ये एक अधेड़ विडो है जो बाउंडरबी के साथ रहती थी। जब तक बाउंडरबी की शादी लुइसा से नहीं हुई थी तब तक बाउंडरबी इनको बहुत रेस्पेक्ट देते थे, लेकिन जब से लुइसा इस घर में आई है बाउंडरबी ने इनको इम्पोर्टेंस देना कम कर दी है। वो इनसे बहुत रूखी तरीके से बर्ताव करते हैं। तो अब सीधी सी बात है, मिसेस पर्सेट को लुइसा से जलन होगी, सीधी सी बात है। तो ठीक है, इनकी कहानी को रखते हैं साइड में थोड़ा सा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था बाउंडरबी की फैक्ट्री है, इसके मजदूर इससे खुश नहीं रहते। वर्कर्स ने मिल करके बाउंडरबी के खिलाफ यूनियन बना ली। बाउंडरबी के खिलाफ यूनियन बन गई है, लेकिन इस यूनियन में स्टीफन जो है, ये स्टीफन, इसने मजदूरों का साथ नहीं दिया, अपने मजदूर भाइयों का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? मजदूरों ने जब पूछा कि क्यों नहीं दे रहा तू हमारा साथ, तो स्टीफन ने कहा कि मैंने किसी से वादा किया है इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो अब सारे मजदूरों ने मिल करके स्टीफन से दूरी बना ली कि ये हम भाइयों का साथ नहीं दे रहा तो इससे कोई भी बात नहीं करेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टीफन को बाउंडरबी ने अपने पास बुलाया और उसने यूनियन के बारे में स्टीफन से कुछ पूछा। लेकिन स्टीफन जो है ये यूनियन के सदस्य और अपने मजदूर भाइयों के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था, तो उसने बाउंडरबी को कुछ भी बताने से मना कर दिया। तब बाउंडरबी ने गुस्से में दहाड़ते हुए स्टीफन को कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करो, निकल जाओ यहां से। इतना कहकर के बाउंडरबी ने स्टीफन को काम से निकाल दिया। अब लुइसा वहीं खड़ी थी, उसे स्टीफन से हमदर्दी हुई और वो अपने भाई टॉम को लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ी। लुइसा ने उस स्टीफन को कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि कुछ दूसरा काम ढूंढ लेना, और बेचारी ज़्यादा से ज़्यादा कर भी क्या सकती थी उसके लिए। उसको पैसे दे दिए, ठीक है, वो वहाँ से जाने लगे। तभी टॉम, वो स्टीफन के पास आकर के कान में कुछ उसके कुछ बोला। इस टॉम ने सीक्रेटली इसके कान में कुछ बोला स्टीफन के कि तुम मुझे बैंक के पास मिलो, तुमसे कुछ काम है। अब शायद टॉम इसकी हेल्प करना चाहता होगा, तभी तो बैंक के पास बुलाया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टीफन टॉम के कहे अनुसार बैंक के पास गया, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इस स्टीफन को वहाँ पे जाने से कुछ नहीं मिला, लेकिन उल्टा क्या हो गया, वहाँ पे उस रात बैंक लूट गया। उस रात जब स्टीफन उस बैंक के पास गया तो बैंक को लूट लिया गया था और सारा शक इस स्टीफन पे आ गया। अच्छा, तो अब समझ में आया कि टॉम ने स्टीफन को वहाँ पे क्यों बुलाया था। ठीक है, तो अब आगे कहानी में क्या होता है। इत्तेफाक से एक रात लुइसा घर में अकेली थी। उसका जो हस्बैंड है बाउंडरबी, वो आउट ऑफ टाउन गया हुआ था। तभी वहाँ पे हार्ट हाउस आया। मैंने आपको बताया था ये हार्ट हाउस लुइसा को लेकर के थोड़ा सा पागल हो गया है, ये इसके साथ हर बात में फ्लर्ट करता है। तो इसने लुइसा को अकेला पा करके इसने अपने दिल की बात उसे बोल दी और इसने लुइसा को अपने साथ भाग चलने के लिए कहा। तो लुइसा ने इस हार्ट हाउस की इस बात पर कहा कि अभी तुम यहाँ से जाओ, कोई देख लेगा, मैं तुमसे कहीं और मिलती हूँ। तो अब इन दोनों हार्ट हाउस और लुइसा के बीच में जो भी बात हुई, ये चीज मिसेस पर्सेट ने सुन ली। मैंने आपको बताया था ये मिसेस पर्सेट जो है ये लुइसा से वैसे ही चिड़ी चिड़ी रहती है। और अब जब इसको पता चल गया है कि हार्ट हाउस और लुइसा के बीच में कुछ चल रहा है, तो इसने क्या किया, लुइसा का पीछा करना शुरू कर दिया। अब लुइसा हार्ट हाउस से मिलने जंगल में गई, तो स्पर्सेट पेड़ों के पीछे छुप करके सब देख रही थी। उन दोनों के बीच में जो भी बातें हो रही थी सब कुछ सुन रही थी वो। अचानक मिसेस स्पर्सेट की आंखों से दोनों खो गए, हार्ट हाउस और लुइसा दोनों, मतलब उनके पीछा करते करते वो लोग कहीं खो गए। तो स्पर्सेट ने क्या किया, कहा कि कोई बात नहीं, मैं बाउंडरबी को बता दूंगी कि लुइसा जो है वो हार्ट हाउस के साथ भाग गई है। मैं बाउंडरबी को बता दूंगी कि उसकी पत्नी लुइसा जो है वो हार्ट हाउस के साथ भाग गई है। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, लुइसा तो अपने फादर के घर पहुंच गई थी, मिस्टर गार्ड ग्राइंड के घर पे। वो अपने फादर मिस्टर गार्ड ग्राइंड को जाकर के सब कुछ बता देती है कि पिताजी मेरी सारी जिंदगी दुख से भर गई है, जब से मैंने बाउंडरबी के साथ शादी की है तब से, ये सब कुछ आपकी फैक्ट वाली एजुकेशन की वजह से हुआ है।
आपने मुझे बचपन से फैक्ट वाली एजुकेशन दी कि बेटी फैक्ट पे भरोसा करो, फैक्ट पे भरोसा करो, इमोशंस से ज़िंदगी नहीं चलती। और आज मेरी ज़िंदगी दुख से भर गई है। तो अब मिस्टर गार्डग्राइंड को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। ये तो अच्छा है कि लुइसा हार्ट हाउस के साथ नहीं भागी, क्योंकि सिसी जो थी इसने सारा मामला संभाल लिया था। इस सिसी ने हार्ट हाउस को समझाया और इसको ये शहर छोड़ जाने के लिए कहा, तो हार्ट हाउस वहाँ से चला गया। वहाँ स्पर्सेट बाउंडरबी के पास गई और जा करके उनको बोला कि आपकी जो वाइफ है लुइसा वो हार्ट हाउस के साथ भाग गई है। अब बाउंडरबी यहाँ पे स्पर्सेट के बहकावे में आ गया। वो गुस्से में अपने दोस्त गार्डग्राइंड के पास आया। वो बाउंडरबी गार्डग्राइंड के पास आकर के बोला कि तुम्हारी बेटी तो देखो हार्ट हाउस के साथ भाग गई मुझे छोड़ के। अब गार्डग्राइंड उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, मेरी बेटी कहीं नहीं भागी है, वो मेरे पास ही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, तुम यहां से जा सकते हो। तो बाउंडर भी वहां से गुस्से में चला गया। अब दोस्तों हम चलते हैं स्टीफन वाली कहानी पर। इस बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ, मतलब बैंक की सारी चोरी का इल्जाम इस बेचारे पे आ गया। ये क्या है, शहर छोड़ के चला गया था और अब ये अपना नाम क्लियर करने के लिए, नाम क्लियर करने के इरादे से इस शहर में वापस आया है, लेकिन ये गड्ढे में गिर गया जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले इसने बाउंडरबी से कहा कि मेरी इमेज एकदम क्लियर है, मैंने कोई बैंक नहीं लूटा, मैंने कोई चोरी नहीं की मालिक, चोरी तो आपके साले टॉम ने की है। इतना कह कर के इसने रेचल के हाथ में दम तोड़ दिया। तो अब सारा बिल फटना था टॉम के नाम पर, क्योंकि टॉम ने चोरी की थी, बैंक लूटा था। तो अब इस सिसी ने टॉम को बचाने के लिए क्या किया कि इसको कहा कि मेरे फादर की जो सर्कस कंपनी है, ओल्ड जिस जो सर्कस कंपनी है उसमें जाकर के छुप जाओ बेस बदल के। अब मिस्टर गार्डग्राइंड और लुइसा परेशान कि ये टॉम ने कर क्या दिया, बैंक लूट लिया। तो अब ये दोनों बाप बेटी गार्डग्राइंड और लुइसा ये दोनों टॉम को देश से बाहर भगाने का प्लान कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके टॉम को इस देश से बाहर निकालना पड़ेगा वरना उसको सजा हो सकती है। तब सिसी ने उनको बताया कि मेरे फादर की सर्कस कंपनी है, उधर भेस बदल के रह रहा है टॉम, तो उसको बाहर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तभी मिस्टर गार्डग्राइंड का एक पुराना स्टूडेंट है ब्रिजर, ये क्या करता है, इन सबको रोकने आ गया। ये मिस्टर गार्डग्राइंड को बोलता है मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं टॉम को नहीं भागने दूंगा, मैं इसको पुलिस के हवाले करूंगा। तब मिस्टर गार्डग्राइंड बोलते तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे दिल में अपने गुरु के लिए कोई इमोशंस नहीं है, तुम ऐसा मत करो। तब ये ब्रिजर मिस्टर गार्डग्राइंड को बोलता है कि सर आपने ही मुझे फैक्ट्स की नॉलेज दी है कि फैक्ट्स ही जिंदगी में सब कुछ है, इमोशंस कुछ नहीं है, तो मैं तो टॉम को नहीं भागने दूंगा। लेकिन यहाँ पे सर्कस मास्टर जो है वो कैसे ना कैसे करके टॉम को भगा ही देता है। तब दूसरी तरफ क्या होता है, मिसेस पर्सेट जो है ये उस ओल्ड वूमेन को पकड़ करके बाउंडरबी के पास ले आती है। मिसेस पर्सेट बोलती है कि बाउंडरबी से बोलती है कि ये जो है आपके घर के आसपास घूमती रहती है, मुझे इस पे शक है कि इसी बुढ़िया ने टॉम का बैंक लूटने में साथ दिया होगा। लेकिन ये देखकर बाउंडरबी मिसेस पर्सेट पे ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बूढ़ी औरत जो थी ये बाउंडरबी की माँ थी। मैंने आपको बताया था ये घूमती रहती है बाउंडरबी के घर के आसपास, बहुत इंटरेस्टेड है बाउंडरबी के बारे में जानने के लिए, तो ये बूढ़ी औरत बाउंडरबी की माँ थी। अब बाउंडरबी ने मिसेस पर्सेट की इस हरकत को देख करके उन्हें भगा दिया। और दोस्तों इस कहानी की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि मिस्टर गार्डग्राइंड को अब ये समझ आ चुका है कि लाइफ में सिर्फ फैक्ट्स की वैल्यू नहीं होती, इमोशंस भी जरूरी हैं। जहां तक बात है लुइसा की, तो उसने फिर से दूसरी शादी नहीं की, ना वो बाउंडरबी के पास गई ना किसी और से शादी की। टॉम अब अपनी फैमिली से दूर है और शायद वहीं दूर रहते हुए ही उसकी डेथ हो जाती है। स्टीफन तो पहले ही मर चुका है, लेकिन अब उसकी इमेज क्लियर है कि उसने चोरी नहीं की, हार्ट हाउस शहर छोड़ के जा चुका है और यहीं हमारी कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी नोवेल हार्ड टाइम्स। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई तो मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ, एक बार इस वीडियो को कुछ टाइम रुक करके वापस से देखना, स्टोरी समझ में आ जाएगी।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।